भगवते वासुदेवा स्वस्ति श्री गणेशाय श्री सरस्वत्यै श्रीमान् गुरुचरण कमलेभ्यो नमः वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा अरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणाप्रयाणसमये कपवातपित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः वासना वासुदेवस्य वासितं भुवनात्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते नमोऽस्तुते विशालबुद्धे फुल्लारविन्दा यतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव
पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मा या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभतिभिः देवहि सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः योऽन्तः प्रवेश्य मम वाच्मिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याशहस्तचरण श्रवणात्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुत बलिगोपाल कृष्ण भगवान की भागवत महापुराण की जय व्यास जी महाराज की जय सुखदेव जी भगवान की जय परीक्षित जी महाराज की जय तुलसा महारानी की जय परम पूज्य श्री गौ माता की जय शिव नमः पार्वती पतये हर हर जय जय श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की
सभी उपस्थित
बंधुजन, वरिष्ठजन, सभी भक्तिमती माताएं, आप सभी को नमन करते हुए सभी को सादर जय श्री कृष्ण। परम पावन, परम सौभाग्य, परम पावन वेला श्रीमद् भागवत भागीरथी के सप्त सोपान, सप्त दिवस पर्यंत एक सुंदर अनुष्ठान और दिव्य सत्संग हमको प्राप्त हुआ। आगल परिवार में पितरों की महती कृपा से ये शुभ अवसर, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वो हमको प्राप्त हुआ। उत्तम समय, उत्तम स्थान और परिवारजनों की उपस्थिति में जब कोई ऐसा भागवत अनुष्ठान होता है तो उस परिवार पर पितरों की महती कृपा होती है, या यूं कहें कि जब तक वो कृपा ना करें तब तक ये संभव ही नहीं है। कथा संस्कृत वाचन भी है, कथा हिंदी वाचन भी है, इन दोनों में अंतर क्या है? भाषा का अंतर है। संस्कृत में यदि श्लोकबद्ध भागवत आपको सुनाई जाए तो आपको किसी को समझ में आएगी क्या चल रहा है, कब कृष्ण जन्म हो गया, कब गोवर्धनोद्धार हो गया, कब रुक्मणी हरण हो गया, समझ नहीं आएगा। इसलिए इसका भाषांतर किया गया। हमारे पूर्वज, हमारे दिवंगत लोग प्रेतत्व को जब प्राप्त होते हैं, ये एक योनि है, जैसे पक्षी, जलचर, थलचर, ऐसे एक योनि है प्रेत योनि। कब प्राप्त होती है? जब अतिशय मन संसार में लगा रह जाए किंतु तन साथ छोड़ दे। कहां मन लगा रह जाए? किसी का पैसे में, किसी का परिवार में, किसी का बेटा बेटी में, हमारा छोटा छोरा को कहीं होएगा, हाँ मैं ही तो हूं जो इसकी देखभाल करूंगी, नहीं तो मैं मर जाऊं तो फिर अभी को कहीं, ऐसा वो विचार करती रहे और उसको यमराज जी लेने को आ जाए। और अतिशय मन परिवार में रह जाने के कारण उसका शरीर तो छूट जाएगा किंतु उसकी आत्मा उसी परिवार पर रह जाएगी। एक दूसरा भी कारण बनता है प्रेत योनि में जाने का, वो है अकस्मात दुर्घटना। ऐसे घर में किसी के साथ में दुर्घटना हो जाए कि वो 20 साल में, 30 साल में, 40 साल की उम्र में एक्सीडेंट हो जाए, कोई घटना ऐसी घट जाए, या वो आत्मघात कर ले, आत्महत्या कर ले, उसको ऐसी दुर्बुद्धि आ जाए कि जीवन तो अभी परमात्मा ने और दिया है किंतु वो स्थितिवश अपने शरीर को मिटा दे, तब भी बचा हुआ समय जो उसकी आयु का बच रहा है ना, समय कैसे बच रहा है? देखो, मानो 40 की आयु में किसी के साथ में दुर्घटना घटी और भगवान ने उसको आयु देकर भेजा था 80, तो बची कितनी? 40। उसको 40 साल और जीना था किंतु घटना ऐसी घट गई कि वो 40 में चला गया।
वो 40 का 4 गुना करके, सूर्य पर पुराण के अनुसार 40 साल का 4 गुना करके वो उसी परिवार में रहेगा। कितने साल मतलब 160 साल वह प्रेत बनकर अपने ही परिवार पर मंडराया करे। अब ऐसी स्थिति में आप लोग जो घर में बातचीत करोगे, उसकी उसकी मिट्टी उसके देह के पास में पड़ करके जो लोग रोएंगे वो सब देखेगा, किंतु शरीर समाप्त हो जाने के कारण वह अपने परिवार जनों को दुखी देखकर भी उनको शांत नहीं कर सकता, वो भी विलाप करेगा, वो भी रोएगा। मानो कि उसने आत्महत्या की है तो उसको भी बड़ा दुख होगा कि मैंने ये क्या कर लिया, किंतु अब उसके पास में वो वश नहीं है, उसके पास में अब वो शक्ति नहीं है कि वो अपने परिवार वालों को ढांढस बंधा सके, उनको चुप करा सके। अब सर्दी गर्मी भूख प्यास बेचैनी सबको सहता हुआ वह अपने ही खेत खलियान परिवार दुकान मकान में मंडराता रहेगा। कब तक? या तो उसकी बची हुई आयु का 4 गुना जो मैंने बताया तब तक वह वहां रहेगा, और जितना जितना वो परेशान होगा बेचैन होगा उतना उतना अपने परिवार वालों को भी परेशान करेगा। इसी का नाम पितृदोष है। मैंने आपको पितृदोष को थोड़ा खोल कर समझाया, इसी का नाम पितृदोष है कि हमारा कोई पूर्वज हमारे यहां कोई जन्मा हुआ प्रेतत्व को प्राप्त है और उसकी मुक्ति नहीं हो पाई, उसने तो कोई ऐसा साधन जीवन में किया ही नहीं कि उसकी मुक्ति हो जाए। भाई यदि वो कोई साधन ऐसा कर लेता तो उसको प्रेतत्व प्राप्त ही क्यों होता? अब किसका कर्तव्य बनता है कि उसको उस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाए, बताओ? अब इस स्थिति में कई लोग अनेक अनेक प्रकार की सामाजिक कुरूतियों का अनुसरण करते हैं। कोई बोलता है कि बोले राती जगा करवाओ, है ना, कोई बोलता है कि बोले हाँ, सब अलग अलग पितरों को प्रसन्न करने के लिए, कोई बोले पंडित जी को बुलाओ उनको जिमाओ, जिनकी बुद्धि में जो आ जाए। अच्छा, ऐसे ज्ञानी तो हर गांव में है ना, उम्र थोड़ी अच्छी हो जाए बाल पक जाए तो फिर वो पटेल बनने का पटलन बनने का थोड़ा सा, भैया यहाँ कोई हो तो क्षमा कर दो। पर ज्ञान देना, किसी ने पूछा नहीं पर ज्ञान देना, अपने को कुछ आता है नहीं आता, कहीं पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा, पर ज्ञान देना, तुम तो पाटो भर लो, तुम तो राज जगा लो, तुम तो ये कर लो, इसके दो उपाय बताए। देखो ध्यान से सुनो, अगर किसी के घर में ऐसी परेशानी है तो इसके दो उपाय। पहला उपाय तो गया श्राद्ध, बिहार में जो गया जी का स्थान है, अन्य और कोई स्थान नहीं है। कोई बोले उज्जैन चले जाओ, कोई बोले त्र्यंबकेश्वर चले जाओ, ना, आप अपने आप से पूछो कि पितरों का सर्व सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, तो अंदर से जवाब आएगा गया जी। तो गया जी ही पितरों का स्थान है, वहां जाकर या तो पिंडदान हो सविधि विधि पूर्वक, और दूसरा है श्रीमद् भागवत, जो कि सबसे बड़ा उपाय। आपके माध्यम से कथा का श्रवण करके आपके पितर तर जाते हैं, हमारे माध्यम से कैसे? यहां आप अकेले कथा नहीं सुन रहे हो, आप जितने लोग बैठे हो इनमें से जिसके ऊपर उसके पूर्वज का मन ज्यादा होगा, ऐसा होता है कि नहीं, कि छोरा तो तीन होए पर ज्यादा मन किस पे होए? माताएं तो ज्यादा अच्छे से जानती है,
मारा तो तीन है पर मार को तो नहीं, छोटा पे ज्यादा है, है? अब ऐसे लोग जो प्रेतत्व को प्राप्त है और वो जिसके ऊपर मन है उसके साथ बैठकर कथा का श्रवण करते, चाहे वो आपके कोई दादाजी रहे हो, पिताजी रहे हो, या कोई छोटा बच्चा ही क्यों ना रहा हो, कोई घात ऐसी आ जाए कि घर में कोई बच्चा भी चला जाए और वो अपनी मां के साथ बैठ करके कथा का श्रवण कर ले, ये रक्त में होता है, ये खून में होता है, ये डीएनए तो आजकल वैज्ञानिकों ने पता लगाया 20-25 साल में डीएनए क्या है। हमारे यहाँ है ना कई पीढ़ियों से डीएनए पता है लोगों को। अच्छा देखो बताओ, ये इतनी माताएं बैठी है, घर में कोई बच्चा होता है, छोटा होता है 2 साल 3 साल 4 साल का, तो उसको देख करके माताएं बता देती है कि यो इका दादाजी पे गए हो, होता है कि नहीं ऐसा? और कोई कोई हमने ऐसा भी सुना है, बोले दिखने में तो नहीं पर इसकी जो आदत है ना वो इसकी दादी जैसी है, वही चाल ढाल, वही लटक झटक। तो ये सब क्या है? ये ही डीएनए जो दादाजी का या पिताजी का या माताजी का वो उनके अंदर आया है। इसका अर्थ है कि वो रक्त से जुड़ा हुआ संबंध है और उस रक्त कणिकाओं में बैठ करके उसके पूर्वज कथा का श्रवण करते हैं। इसलिए ये अनुष्ठान जो आपको प्राप्त हुआ है इसकी कीमत समझना। देवताओं को दुर्लभ ये अनुष्ठान है, साधारण नहीं। जो देवताओं को ना मिले वो हमको मिला, किंतु समस्या क्या है कि जो मिल जाता है ना उसके ऊपर मन नहीं रहता। जब तक नहीं मिला तब तक उसके पीछे भागते हैं, जब मिल गया तो क्या, हाँ ठीक है पढ़ा है। जब पैदल चलते थे तो साइकिल वाले को देखते थे, मेरे पास भी हो, आ गई घर में तो पड़ी है, फिर किसका मन हुआ, बोले मोटरसाइकिल, वो आ गई घर में तो फिर किसको देखने लगे, कार, और कार आ गई तो बोले बड़ी कार। ये देखो माताएं खुद चाहे 2000 3000 4000 की साड़ी पहनकर बैठी है पर पड़ोसन का पल्लू पकड़कर जरूर देखेगी, बता तो कहां से ली, अच्छी है बुरी खुद की भी नहीं है, अच्छी से अच्छी पहन कर बैठी पर फिर भी उसको दूसरे का बोले इसकी किनार बहुत अच्छी है। ऐसा क्यों, दूसरे की ही वस्तु क्यों अच्छी लगती है? ये मानव का स्वभाव है, जो उसको मिल गया उसको उसकी कीमत नहीं है, जो नहीं मिला उसके पीछे भागते हैं। ठीक उसी प्रकार जो ये मानव का तन हमको मिल गया है इसकी हम इज्जत नहीं करते हैं, हम तो कहीं और देखते हैं कि और अच्छा कुछ मिलना था, और अच्छा घर मिलना था, और अच्छा पैसा मिलना था। अरे भाई जहां जिस शरीर में जिस स्थान में बैठे हो उसका सदुपयोग करो। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है मानव का तन। अनेक प्रकार के अनुष्ठान करने से आप देवता बन जाओगे ऐसा ग्रंथों में लिखा है। आप शिव पद को प्राप्त हो जाओगे ऐसा स्तोत्रों का फलश्रुति है। आप इंद्र पद को प्राप्त हो जाओ आपको वैकुंठ मिल जाएगा, यह भी भागवत में लिखा है। किंतु कौन सा ऐसा कर्म है जिसके करने से आप पुनः मानव बन जाओगे ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। बताओ, भागवत सुनने का भी फल वैकुंठ है किंतु ये नहीं कहा कि पुनः आपको मानव तन मिलेगा। इसका अर्थ है कि ये केवल कृपा से संभव है, कृष्ण की कृपा ही मानव का तन देती है, भारतवर्ष में जन्म देती है, सनातन संस्कृति की धरोहर के रूप में हम यहाँ जन्म लेते हैं और बाद में यदि हम उसको व्यर्थ बातों में, खेल कूद में, खान पान में, इधर उधर की बातें करने में, घूमने फिरने में अगर इस काया को हमने मिटा दिया तो हमने अपने हाथों से अपनी आत्महत्या की।
ये भागवत कह रही है, मृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। मानव की देह जो दुर्लभ है मिल गई आपको, भारतवर्ष जो दुर्लभ है वो मिल गया, गुरु की कृपा जो दुर्लभ है वो मिल गई, और इसके बाद भी यदि किसी ने भव सागर को पार नहीं किया, ना तरेत स आत्महा, उसको आत्महत्या कहा गया। हमारी दृष्टि में आत्महत्या कौन सी है? बोले कोई फांसी पे लटक गया उसको आत्महत्या हम कहते हैं, किसी ने जहर पी लिया। भागवत की दृष्टि में आत्महत्या क्या है? बोले भागवत की दृष्टि में आप 100 साल जिए, किंतु यदि आपने भागवत का श्रवण नहीं किया, भगवान की कथा का श्रवण नहीं किया, किसी गुरु के साथ सत्संग नहीं किया, और वह व्यक्ति ने अपने हाथों से अपनी आत्महत्या की, तो ऐसा दुर्लभ अवसर हमको प्राप्त हुआ है। आज हम थोड़ा महात्म्य की चर्चा करेंगे। महात्म्य यानी महत्व, महत्व जब तक किसी वस्तु का महत्व, किसी व्यक्ति का महत्व ना पता हो तब तक उसमें प्रेम नहीं होता। ये मानव जो है बड़ा स्वार्थी है। बच्चा भी माँ से तब प्रेम करता है जब उसको पता पड़ता है कि ये ही मेरी रखवाली करने वाली है, मेरा सब कुछ ये ही देखती है, तो वो माँ से प्रेम करता है। कब तक? हमेशा करता है क्या? बच्चा माँ से प्रेम कब तक करता है? जब तक पत्नी नहीं आ जाए, फिर वो देख लेता है कि ये ज्यादा अब मेरी देखरेख कर रही है, तो वो किससे ज्यादा प्रेम करता है फिर? ये संसार की रीति है। अरे और तो छोड़ो, चलो माँ को छोड़ो, पिता को छोड़ो, पैसे से प्रेम हो गया लोगों को। कब हुआ? जन्म लेते से तो नहीं हुआ। जन्म लेते साथ तो कोई लोग आते थे और पैसा देकर जाते थे तो फेंक देते थे। छोटा बच्चा क्या करता है? फेंक देता है, फाड़ देता है। किंतु वही बच्चा जब 2-4 साल का हो जाए, 2-4 राउंड किराने की दुकान पर होकर आ जाए, फिर उसको पैसा दो आप, क्या करेगा? फेंकेगा, फाड़ेगा? वो तो जेब में रखेगा, जेब ढूंढेगा कहां है जेब। जिस दिन पैसे का महत्व पता पड़ा उस दिन पैसे से प्रेम कर लिया, जिस दिन माँ का महत्व पता पड़ा उस दिन माँ से प्रेम हो गया। ठीक वैसे ही जब तक भागवत का महत्व ही ना पता होगा तो भागवत से प्रेम होगा कैसे? एक केवल कथा भर हो जाएगी कि कथा है भैया, आगाल परिवार ने करवाई, हमको बुलाया था, हम चले गए, अब उनको मुंह दिखाना था, भाई वो हमारे घर आते हैं तो हमको भी उनके घर जाना था। एक होता है इस प्रकार से कथा में जाना, और एक होता है कथा के लिए कथा में जाना। वहां व्यवस्था देखने नहीं जाना, हमको तो पूछा ही नहीं, हमसे तो मिले ही नहीं, हमको तो देखकर उन्होंने अनदेखा कर दिया, तो फिर कथा में मन लगेगा क्या? पूर्वाग्रह छोड़कर कथा में आना चाहिए, कथा के लिए कथा में आना चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, हम कथा का श्रवण करने आए, ये भाव मन में होना चाहिए। तो कथा में प्रेम तब जब महत्व पता हो, और आज हम महत्व की चर्चा करते हैं। क्या होता है कथा से? पद्म पुराण ने भागवत की बड़ाई की है, भागवत ने स्वयं नहीं अपनी बड़ाई की, अपने मुंह से तो बड़ाई करने वाले आपको हजारों लोग मिल जाएंगे, किंतु रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। कोई हीरा अपने मुंह से कहता है कि मैं इतना पैसे वाला हूं, मेरे इतनी कीमत है? कोई दूसरा उसको जोहरी होता है वो बताए कि ये इतना कीमती है? आपको सुनकर आनंद आएगा कि भागवत की बड़ाई पद्म पुराण ने की, भागवत की बड़ाई स्कंद पुराण ने की, तो समझो कि भागवत क्या है। लिखने वाले स्वयं व्यास जी 17 पुराण लिखकर थकित हो गए, मौन हो गए, मन में बड़ी बेचैनी हो गई, और भागवत लिखकर उनको शांति हुई, तो समझो कि बड़ा ग्रंथ कौन सा।
पद्म पुराण कहता है किम श्रुतैहि बहुभिः शास्त्रैः पुराणैः भ्रमावहैः एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। क्यों सुने हम दूसरे पुराण यदि एक भागवत शास्त्र मुक्तिदान की गर्जना करता है तो फिर व्यर्थ झंझटों में क्यों उलझना। देखो अन्य पुराण भी बड़े सुंदर है, सुनना चाहिए, किंतु भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी यदि कोई है तो वह है भागवत गाथा। बाकी ग्रंथ आपको भुक्ति दे सकते, मुक्ति नहीं दे सकते, शांति नहीं दे सकते, भोग दे सकते हैं देवी पुराण, शिव पुराण, ये आपको भोग दे सकते हैं, आपको तरह तरह के प्रलोभन दे सकते हैं, आपका व्यवसाय बढ़ाने के लिए ये प्रयोग कर लो, आपकी दुकान चलाने के लिए ये प्रयोग कर लो। अब वो सब कर तो लेंगे किंतु जब जीवन में शांति चाहिए सब कर लेने के बाद तब ये ग्रंथ ऊपर हाथ कर देंगे कि वो हमारे पास में नहीं। और वो एकमात्र ग्रंथ है जो आपको सफलता भी देता है, उन्नति भी देता है और साथ में मुक्ति भी प्रदान करता है। कौन है वो? श्रीमद् भागवत। जैसे कोई डॉक्टरेट पीएचडी कर ले तो उसके आगे क्या लग जाता है? डॉक्टर। नहीं, कोई पीएचडी कर ले तो उसके आगे लग जाता है डॉक्टर। नाम तो वही है, फलाने चंद जी, पर नाम के आगे लग गया श्री डॉक्टर। हमारे नाम के आगे तो नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक विशेष उपाधि को प्राप्त किया है। ठीक उसी प्रकार भागवत ने एक ऐसी उपाधि को प्राप्त किया है कि इस ग्रंथ के आगे श्रीमद की उपाधि इसको प्राप्त है, श्रीमद। बाकी किसी दूसरे ग्रंथ के आगे श्रीमद नृसिंह पुराण ऐसा सुना कभी? एकमात्र भागवत श्रीमद भागवत, ये बड़ाई है इसकी। तो पद्म पुराण क्या कहता है देखो, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम्। इसे एक श्लोक में भगवान का रूप बताया है, भगवान का कार्य बताया है और भगवान का व्यवहार बताया है। आप लोग जब किसी से मिलते हो तो सबसे पहले तो उसका रूप देखते हो, और विशेष माताओं में ये ज्यादा आदत होती है। पुरुष वर्ग तो फिर भी किसी को एक बार देखकर भूल सकता है, माताएं नहीं भूलेगी। और माताएं तो भैया इतनी चतुर चालाक होती हैं कि उसको देखकर ना भूले वो तो ठीक है, उसको ये भी बता देगी कि तूने 5 साल पहले विवाह में कौन सी साड़ी पहनी थी, तेरा हार कौन सा था वो भी बता देगी। पुरुषों का इतना ध्यान नहीं होता, माताओं का बहुत ध्यान होता। तो किसी से मिलेंगे तो क्या देखेंगे? उसको देखेंगे पहले कैसा दिखता है, फिर पूछेंगे धीरे से क्या करते हो भैया, नहीं पूछेंगे। पहले तो उसको देखेंगे फिर उससे पूछेंगे आप क्या करते हो, और जब ये दोनों जानकारी मिल जाए तो फिर नजर रखेंगे कि इसका व्यवहार कैसा है। अच्छा है, अपने लायक है तो थोड़ा आगे बोलचाल बढ़ाए, नहीं तो नमस्ते। कमाल की बात है कि व्यास जी ने एक ही श्लोक में भगवान का क्या सुंदर परिचय दिया, रूप भी बताया, क्या करते हैं ये भी बताया और व्यवहार भी बता दिया। सच्चिदानंद रूपाय, इसका बड़ा सुंदर अर्थ है और व्यापक है, बहुत बहुत व्यापक। सच्चित आनंद, भगवान का नाम है सच्चिदानंद, उसमें 3 शब्द हैं, सत हमेशा, कल भी था आज भी है कल भी रहेगा, सत चिद ज्ञान, आनंद जिसके लिए दुनिया भाग रही। ये तीनों गुण जिनका नाम ही हो ऐसा उनका रूप, सच्चिदानंद रूपाय। बताओ इनमें से हम क्या नहीं चाहते? क्या हम हमेशा जीना नहीं चाहते?
किसी से पूछो कि भैया हो गया पूरा, पूरा हो गया तो जाओ अब यमलोक। कोई कहेगा कि हाँ मैं तैयार हूं। किसी 90 साल 95 साल के भी व्यक्ति से पूछो कि हो गया सब, हाँ हो तो गयो, पर जरा वो पोता को, छोटा पोता को ब्याह और है, वो और हो जाए फिर तो कई काम नहीं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि रहना होना या जीवन जीना ये सब चाहते हैं, कोई नहीं चाहता मैं मरूं। इसी गुण का नाम सत है। मतलब ये गुण कृष्ण में भी है और ये गुण आप में भी है। नहीं जी पाते उसमें अपनी कोई गलती नहीं। एक दिन ऐसा आता है कि बस सोए के सोए रह जाते हैं, पर चाहते तो नहीं हमेशा। हम तो चाहते थे कि और चले, अभी तो पारी लंबी चले, हाँ 100 के ऊपर जाए, 110 120 125 पे कहीं जाके रुके। चिद यानी आनंद। कौन चाहता है कि लोग मुझे मूर्ख कहे? कोई है ऐसा? नितांत मूर्ख भी होगा वो अपने आप को समझदार समझेगा, ज्ञानी समझेगा, प्रकांड विद्वान समझेगा। इसलिए जो ये ज्ञान वाला गुण भगवान में है वो हमारे अंदर भी है। अब देखो सत चित और आनंद, कौन रोना चाहता है? आज इतने लोग कथा में बैठे हैं, आप में से कौन ऐसा है जो रोना चाहता है, जो आंसू बहाना चाहता है? कोई नहीं चाहता। सब हंसना चाहते, खिलखिलाना चाहते, सदा सदा आनंद में जीवन जीना चाहते। इसीलिए तुलसीदास जी ने इन तीनों गुणों को जीव से जोड़ा। ये जो सच्चिदानंद परमात्मा के गुण हैं, ये जो सच्चिदानंद परमात्मा का नाम है, ये सब के सब गुण तुलसीदास जी ने हमारे अंदर देखा और फिर क्या कहा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन सुख राशि, हो चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर किसके अंश हैं हम? देखो कितना सुंदर तुलसीदास जी ने हिंदी में कर दिया इस श्लोक को, ईश्वर अंश। अब भाई जिसके अंश है उसके गुण आएंगे कि नहीं? मां के गुण बेटे में नहीं आएंगे तो किसमें आएंगे? हाँ, पिता के गुण बेटे में ना जाएंगे तो किसमें जाएंगे? इसलिए ईश्वर अंश, तो उनमें जो गुण होना चाहिए वो हमारे अंदर होना चाहिए। यदि हम उनके अंश हैं, यदि हम उनकी संतान हैं, तो उनके कौन तीन गुण हैं? बोले यही सत चित और आनंद। तो क्या वो हमारे अंदर है? तो तुलसीदास जी ने कहा बिल्कुल है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मरेगा नहीं कभी, शरीर चाहे मर जाए किंतु ये जीव मरने वाला अविनाशी, चेतन, सदैव चैतन्य है। नींद किसको आती है फिर? शरीर को, क्योंकि शरीर भी जब सोता है तब ये जागता है। इसको सोने का है ही नहीं, इसका गुण नहीं है सोने का।
सिद्ध करके बताएं क्या? सिद्ध करके बताएं कि जब आप सोते हो तो जागता कौन है? कमाल की बात है कि सोते भी आप हो और जागते भी आप हो, कोई दूसरा थोड़ी जागता है। कितनी भी गहरी नींद हो तब भी आप ही सोते हो और आप ही जागते हो। कैसे? और वो ऐसे कि जब आप सोते हो तो सपने में क्या देखते हो, और जो देखते हो वो देखने वाला कौन है? क्योंकि आप तो सोए हो। और यदि आप सोए हो तो उस सपने को सुबह उठकर के सुनाने वाला कौन है? मतलब कोई तो था जिसने वहां कैमरा लगा रखा था कि आज तुम्हारा सपना में यू आयो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ये जीव कभी सोता नहीं है। शरीर थककर सो जाता है किंतु उसके अंतरंग में भी जो चलता है उसको ये देखता रहता है। ये दृष्टा है केवल, ये ना पाप में लिप्त है ना पुण्य में लिप्त है, ये केवल दृष्टा है, ये आत्मा है, अविनाशी है। सहज सुख राशि, इसको किसी वस्तु व स्थिति की आवश्यकता नहीं, ये सहज सुख राशि है। ये सहज है, कुछ मिलेगा तब सुखी हो जाएंगे ऐसा इसका नहीं। चेतन अमल सहज सुख राशि, कितना सुंदर तीनों गुणों को बड़ी गंभीर ये चौपाई है और बड़ा मनन इस पर करना चाहिए। चेतन अमल सहज सुख राशि, कुछ नहीं चाहिए इसको सुखी होने के लिए, कपड़ा भी इसको नहीं चाहिए। पता है आपको, यदि कपड़ा पहनने से ही ये सुखी होता तो नागा साधु जो लोग हैं वो तो बड़े दुखी होते बेचारे। हाँ, उनको तो बड़ा दुख होता है कि लो हमको तो कपड़ा भी भगवान ने नहीं दिया। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको सुखी कर सकती है, ऐसा कोई भाषण नहीं है जो आपको सुखी कर सकता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो आपको सुखी कर सकता। आप अपने आप में आनंद है, सच्चिदानंद रूपाय ऐसे वो दिखते हैं। तो उत्सुकता बड़ी, भैया करते क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, विश्व की उत्पत्ति पालन और उसका संहार करना इनका काम है। बहुत बड़ा काम करते हैं भाई। बताओ, हमने स्कूल बनाया, हाँ हमने कोई फैक्ट्री बनाई, हमने कोई घर बनाया तो कितना समय लगा, और उसको चलाना, उसको मेंटेन करना, कितना खर्च लगा। और जब कोई रचना आपके द्वारा होती है तो आप नहीं चाहते कि ये मिट जाए। कोई चाहेगा कि मेरा घर टूट जाए? हाँ, मैंने इतना बढ़िया बंगला बनाया वो धड़ाम हो जाए, कोई ऐसा चाहेगा? किंतु वो भगवान है जो हर स्थिति में आनंद में है, बन रहा है तब भी, चल रहा है तब भी, और जिस दिन नाश हो रहा है तब भी। द्वारिका जिस दिन बन रही थी तब भी भगवान आनंद में थे, 100 साल भगवान द्वारिका में रहे तब भी भगवान आनंद में थे, और जब ऋषि का श्राप का निमित्त बनाकर पूरा यादव वंश समाप्त हो रहा था और वो स्वर्ण की नगरी जलमग्न हो रही थी तब भी भगवान के होठों पर वही मुस्कान थी जो बनते समय थी। इसलिए ये इनका काम है, केवल संकल्प मात्र से बनाना, जरा सा गंभीर हो जाने से उसका पालन हो जाना, और भ्रिकुटी मात्र टेढ़ी कर देने से उसका लय हो जाना। तो किसी ने कहा, भैया दिखते भी बड़े सुंदर हैं, काम भी बहुत ऊंचा करते हैं, तो ये हैं कैसे, जरा इनका स्वभाव तो समझ में आए। तो अगले चरण में स्वभाव इनका बता दिया। तापत्रय विनाशाय, जो भी इनके मार्ग पर आता है, या यूं कहें कि जो भी इनके कथा में आता है, इनके मंदिर में आता है, या अपने हृदय मंदिर में इनको बसा लेता है और बसा करके एक बार मात्र नमन कर लेता है, उसके ये तीनों प्रकार के तापों का शमन कर देते हैं। दैहिक, शारीरिक,
कोई समस्या आपको है, कोई को कमर दर्द है, कोई को घुटने का दर्द है, दैविक जो अभी कोरोना गया ये दैविक, भौतिक हमारे द्वारा जुटाया हुआ साजो सामान से हमको जो कष्ट हो जाए, गाड़ी ली एक्सीडेंट हो जाए, दैहिक दैविक और भौतिक तीन प्रकार का कष्ट संसार में है, और इन तीनों प्रकार के कष्टों का शमन केवल एक बार नमन से हो जाए। जिनको एक बार नमन कर लो, एक बार के नमन कर लेने मात्र से। अच्छा बताओ कौन ऐसा है यहाँ आप में से जिसने भगवान को नमन ना किया हो? सबने किया हो, ऐसा कोई नहीं होगा। फिर भी घुटने में दर्द क्यों है? भागवत कह रही है कि नमन कर लेने मात्र से कष्ट मिट जाएगा। तो हम तो कई बार नमन कर चुके हैं, तो क्यों नहीं हमारा ये कमर का दर्द जा रहा है? क्यों हमको समस्या बनी हुई है? क्यों चिंताएं हमको सता रही है? क्योंकि नमन नहीं हुए हम। हमने नमन किसको समझा? दो हाथ जोड़कर सिर झुकाने को हमने नमन समझा, किंतु नमन का अर्थ है न मन। क्या अर्थ है इसका? न ना ये नहीं, आगे क्या है? मन। जिसके पास मन नहीं है कहां गया? बोले भगवान के पास। यदि किसी ने अपना मन भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया तो बताओ कोई कष्ट बचेगा? गोपियों को कोई कष्ट हुआ? और देखा जाए तो दुनिया का महान कष्ट ही गोपियों को हुआ, किंतु फिर भी उनसे पूछा आप दुखी हैं? बोले नहीं, हम सुखी हैं। कैसे सुखी हो? रो रही हो, रात दिन आंसू बहा रही हो, कृष्ण कृष्ण पुकार रही हो, फिर कैसे सुखी हो? बोले वो तो सुखी है ना, जिसके लिए हम जी रही हैं वो यदि सुखी है तो ये मन तो वो ले गया है, अब हमको कोई दुख है ही नहीं। उद्धव को कहा ना, उधो मन ना रहे 10-20, एक हो तो सो ले गयो। एक था वो मन हमारे पास और वो ले गया नंद किशोर। अब हम ना सुखी हो सकती हैं कभी, ना हम दुखी हो सकते हैं। तो फिर ये आंसू कैसे? तो कहा उधो, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, निस दिन बरसत नैन हमारे, जब से श्याम सिधारे। यहाँ केवल एक वर्षा ऋतु रह गई है उधो, यहाँ ना ग्रीष्म आती है ना शरद आती है, यहाँ केवल एक वर्षा ऋतु है, इसलिए निस दिन बरसत नैन हमारे। मन एक है और वो मन यदि भगवान के श्री चरणों में दे दिया तो ना कोई सुख ना कोई दुख। दुख और सुख की परिभाषा मन के अनुसार है। मन को यदि डनलप का गद्दा चाहिए और उसको आपने दरी पर सुला दिया, बस वो दुखी हो जाएगा। और यदि मन को दरी चाहिए और उसको यदि आपने एसी का रूम दे दिया तो वो दुखी हो जाएगा। भाई एक व्यक्ति को एसी के रूम में भी नींद ना आए, रात भर करवट बदले, और कोई व्यक्ति खेत में पानी देता देता मेर में सो जाए हाथ का तकिया लगाकर, बताओ क्या सुख और क्या दुख? किसी को 50,000 रुपए की ड्रेस पहना दो तो भी वो कमी निकाल कर बता दे कि देखो ये थोड़ा सा ये यहां कम है। और नागा साधु को यदि कपड़ा दान कर दो तो वो गुस्सा हो जाए। हमने जिसको अच्छा मान लिया वो हमारे लिए सुख, और हमने जिसका प्रतिकार कर दिया, जिसका हमने विरोध कर दिया, वो हमारे लिए दुख। इसलिए अगर हर परिस्थिति में आनंद लें, अच्छे में भी बुरे में भी, कमी में भी खूबी में भी, सब में मुस्कुराना सीख जाए। समस्या तो यह है कि हमारी चाबी भी दूसरों के पास में, हमको हंसाना भी दूसरे के हाथ में है। अभी कोई आए हाथ जोड़े ढोक दे और कैसे हैं आप तो हंस दे, और अभी कोई आए और एक तमाचा दे, दो चार गालियां सुनाए तो रोने लगे। इसका अर्थ है कि हमको हंसाना और हमको रुलाना भी दूसरे के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। हमारा अपने शरीर पर वश नहीं है, बताओ इससे ज्यादा कोई हम पराधीन की परिभाषा दे सकते हैं? पराधीनता की परिभाषा ही यही है कि आपको दूसरा हंसाता है, आपको दूसरा रुलाता है।
किसी ने थोड़ा सा बुरा क्या बोल दिया आपके विषय में, चिढ़ गए, गालियां सुनाने लगे। कई कई बार तो मजाक में कोई कहता, देखो अभी मैं इसको चिढ़ाता हूँ, इसको छेड़ता हूँ, और वो उसको चिढ़ा भी देता है, छेड़ भी देता है, वो बड़ा गर्म भी हो जाता है, और थोड़ी देर में उसको कह रहे हैं अरे हम तो मजाक कर रहे, तो वो शांत भी हो जाता है। मतलब उसको गर्म करना भी दूसरे के हाथ में और उसको शांत करना भी, तो स्वयं से कब जिएंगे हम, स्वयं से कब जीना सीखेंगे। संतों में यही अंतर है, एक साधारण मानव में और संतों में क्या अंतर है, ना उनको फूलों की माला ही सुख दे पाती है और ना उनको किसी की धुतकार ही दुख दे पाती है। सच्चा संत होगा, आपके दरवाजे पर मांगने आएगा, आपने खूब अच्छा दे दिया तो वो ना सुखी हो जाएगा, और किसी घर से उसको धुतकार भी मिल गई तो वो दुखी भी नहीं होगा। दूसरों के अनुसार चले वो संत थोड़ी। प्रथम श्लोक में भगवान का सच्चिदानंद रूप का वर्णन है, द्वितीय श्लोक में कथाकार शुभदेव जी को नमन है। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव उत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सुखदेव जी जो सर्वभूत हृदय है, सबके अंदर बैठने वाले परिव्राजक हैं, एक जगह रुकते नहीं। संत चलता भला, अच्छा वो संत चलते रहते हैं तो उनका शरीर भी बढ़िया है, और मन एक जगह भगवान में स्थिर है तो मन भी स्वस्थ है, उनका तन भी स्वस्थ, उनका मन भी स्वस्थ, और इसके विपरीत हम में क्या है, खा लिया पी लिया और बैठ गए एक जगह, हाँ चौकड़ी मार कर, तो शरीर हो गया बीमार बेडोल, डॉक्टरों से भी वश में नहीं आता, क्योंकि जब चलने का समय था तब तो बैठे, अच्छा हमारा मन भी अस्वस्थ, क्यों, क्योंकि बैठे हैं एक जगह किंतु मन पूरा घूम रहा है, फैक्ट्री भी होकर आ गया, कारखाना भी होकर आ गया और दुकान भी होकर आ गया, कहां कहां मन चला गया, बैठे हैं कथा पांडाल में और मन चला गया घर, इसलिए मन भी अस्वस्थ और एक जगह बैठने से तन भी अस्वस्थ। इसके विपरीत संतों में शरीर चलता रहता है, आज इस गांव में, कल उस गांव में, परसों उस गांव में, कभी इस तीर्थ में, कभी उस